ठीक है, ओके। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं क्या होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दर्शाते किससे, कैपिटल एन से। सभी को याद होगा, तो एक बार पहले पुराना रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती थी? जो हम वस्तुओं को गिनने के लिए, एक से शुरू होती थी और अनंत तक रहती थी, है ना, इनफाइनाइट तक रहती थी। ठीक है, इसी को हम नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या कहते थे। फिर हमने इसमें देखा कि कौन सी संख्या हमारी प्राकृत में इंक्लूड नहीं होती थी, डेसिमल नंबर किसी भी तरीके के, है ना, दशमलव वाले कोई भी नंबर हमारे प्राकृत संख्या में नहीं आते। दूसरे, रूट टू, रूट सिक्स, रूट फाइव, इस तरह के वर्गमूल वाले भी नहीं आते। अच्छा, इसी में ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वर्गमूल चार हमारा एक प्राकृत संख्या है? क्या वर्गमूल चार एक नेचुरल नंबर है? यस या नो, चैट सेक्शन में बताइए। सोचो और बताओ, होगा या नहीं? बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो बेटा, क्लियर नहीं आ रही तो अजीत के नाम से ज्वाइन नहीं होती। कोई ऐसा बच्चा जो बोल रहा है कि होती है? वर्गमूल क्या होता है? गुड गुड इवनिंग इवनिंग। वर्गमूल क्या होता है मैं बताती हूँ अभी। देखो, वर्गमूल चार हमारी एक प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। क्यों? वर्गमूल चार किसका होता है? चार किस नंबर का वर्गमूल होता है? दो का होता है, बताइए। चार किस नंबर का, किस संख्या का वर्गमूल होता है? दो का। तो वर्गमूल चार को आप दो लिख सकते हो, तो दो तो हमारी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को ना ध्यान से देख लेना जो हमारी वर्गमूल जिनके आते से, वर्गमूल 16 चार का होता है, वर्गमूल 25 पांच का होता है, वर्गमूल 9 तीन का होता है। तो ये नंबर्स आपको देखने, जिसका वर्गमूल आ रहा है वो प्राकृत संख्या में आएगा, जिसका नहीं आ रहा वो नहीं आएगा। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 6, वर्गमूल 5, इसका नहीं होता, दो का नहीं होता ना। दो का तो पॉइंट में आता है हमारा, उनका तो पॉइंट में आता है। ठीक है, 1 point something आता है 2 का। बेटा वर्गमूल जो संख्या होती है ना शिवम, क्लास के एंड में रुकना, तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा तो अभी इसमें नहीं जाते, क्लास के एंड में दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, रुक जाना आप, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरी और कौन सी नहीं आती इसके अंदर? फ्रैक्शन वाली, मतलब 1/2, 3/4, 6/8, इस तरह की संख्याएं भी हमारी नहीं होती हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और ऋणात्मक संख्याएं, प्लस का 6, माइनस का 6, माइनस का 1, माइनस का 2, इस तरह की संख्याएं भी हमारी नहीं आती प्राकृत के अंदर। क्लियर हुआ सभी को? कौन सी आती है, कौन सी नहीं यस आती? यस, ठीक है। वर्गमूल वाला मैं क्लास के एंड में बताऊंगी, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी हाँ, बिल्कुल माइक ऑफ रखो, बिल्कुल माइक ऑफ रखेंगे सभी बच्चे। चलिए, ये तो बात कर ली हमने प्राकृत संख्याओं की। अगली टाइप की जो संख्या हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या या जिसे हम कह रहे थे होल नंबर्स, होल नंबर्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डब्लू से, किससे दर्शा रहे थे? डब्लू से दर्शा रहे थे। ठीक है, तो क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं? तो यदि मैं प्राकृत संख्याओं में, ठीक है, नेचुरल नंबर से 0 को और जोड़ दूं साथ में, 0 और लगा दूं साथ में, तो ये पूरा जो ग्रुप बना वो ही हमारा पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बनेगा, है ना। इसमें भी सेम वही था कि कौन कौन सी नहीं होती, फिर से वही कंडीशन, 2/3, 4/5, ऐसे अंश और हर के रूप में जो संख्याएं होती है वो नहीं आती। ठीक
ठीक है, दशमलव वाले डेसिमल नंबर्स भी इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। तीसरा वही वर्गमूल वाला जो मैंने आपको बताया, वो आप ध्यान दे लेना, ठीक है। वर्गमूल 5 जिसके होते ही नहीं है कोई वर्गमूल, वो भी हमारी नहीं आती पूर्ण संख्या में। चौथी यही ऋणात्मक संख्या है, माइनस का 6, माइनस का 1, माइनस का 2, इस तरह की संख्याएं भी हमारी नहीं है। क्लियर हुआ पूर्ण संख्या वाला कॉन्सेप्ट भी सभी को? ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक वो था पूर्णांक का। पूर्णांक भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, पूर्णांक भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। अच्छा बेटा, मैंने क्या आपको ये पढ़ाया था कल कि क्या, मैंने ऐसा प्रश्न पूछा था आप लोगों से, मतलब पिछली क्लास में, कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे मैम? एक कराया था। हाँ तो ठीक है, एक ही करवाया होगा। हाँ यही मैं पूछने वाली थी बेटा, पिछले क्लास में जब समझ में आया था तो ये भी तो आना ही चाहिए। मैं तो सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ शिवम, मैं तो सिर्फ वही रिवाइज करवा रही हूँ जो पिछली क्लास में मैंने करवाया था। अभी तो मैंने नया कुछ पढ़वाया ही नहीं है, ठीक है। वर्गमूल पे फिलहाल ध्यान मत दो, वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल जो मैं पढ़ा रही हूँ वही वही चीज तो मैं रिवाइज करवा रही हूँ जो मैंने करवाया था। मैंने तो अभी कुछ नया पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, सब आ जाएगा। अगला टॉपिक है मेरा इंटीजर्स का, पूर्णांक का, जिसको हम कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, ठीक है, कैपिटल जेड से। बेटा मैं शुरू से एक ही बच्चे को नहीं पढ़ा सकती ना, शुरू से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सिर्फ एक बच्चे के लिए मैं शुरू से नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जैसे कि आपसे बोला गया है, क्लास को 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लो और फिर डाउट पूछो मुझसे जो भी, या क्लास के एंड में रुको, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे के लिए मैं दोबारा से वही चीज नहीं पढ़ा पाऊंगी ना, ठीक है। क्योंकि हम ये तो देखते हैं ना मैक्सिमम बच्चों को समझ में आया है या नहीं। शुरू से मैं पढ़ा दूंगी, बिल्कुल पढ़ा दूंगी, बट क्लास के एंड में ही पढ़ाऊंगी मैं, या क्लास के शुरू में जब बच्चे ना हो या बच्चे चले जाए। समझ में आया? या तो क्लास के एंड में पूछा करो या क्लास के शुरू में। फिलहाल यहाँ समझने की कोशिश करो और हमेशा रिकॉर्डिंग देखो। रिकॉर्डिंग में अगले दिन ही भेजती हूँ क्लास में, तो उसको प्लीज देखा करो, नहीं तो दिमाग से सब निकल जाएगा। तो पूर्णांक क्या होते थे? अगर मैं, हाँ, पूर्णांक में क्या होता था कि यदि मैं, डेफिनेशन बताई थी मैंने, तीन डेफिनेशन बताई थी, तो मैं यहाँ फिलहाल एक ही बता रही हूँ कि धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, साथ में ले लूं मैं जीरो, शून्य, तीसरा मैं ले लूं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है, या नेगेटिव नंबर, यस नेगेटिव नंबर। तो ये जो मेरा पूरा ग्रुप बनता है यही मेरा इंटीजर्स कहलाता है या पूर्णांक कहलाता है। जैसे धनात्मक संख्याएं आप लोगों को पता है जो शून्य से बड़ी होती है, मतलब 1, 2, 3, 4 अनंत तक, साथ में जीरो लेना है, फिर शून्य से कम, उसी को हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये भी अनंत तक। तो ये पूरा ग्रुप मेरा इंटीजर्स का बन गया, ठीक है, ये पूरा ग्रुप इंटीजर्स का बन गया। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। हाँ शिवम प्लीज समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास के एंड में, वही मैंने बोला, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, होमवर्क करना है, तभी तो आपको पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। हमेशा रिवाइज करो जो भी पढ़ा है पिछली क्लास में, हमेशा रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इतना मेरा यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है तो क्या बोलोगे? माइनस का वर्ग, सॉरी सबसे बड़ी, छोटी निकल रहा है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या तो माइनस का वन है ना, सबसे बड़ी, क्योंकि उसके बाद आपको पता है जैसे कि आप शून्य के बाई तरफ जाते हो ना, संख्याएं घटने लगती है ना, माइनस का वन सबसे बड़ा होगा,
माइनस का टू उससे छोटा, उससे छोटा माइनस का तीन, उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको पता है एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, लेकिन यह उल्टा होगा। माइनस एक सबसे बड़ा, माइनस दो उससे छोटा, माइनस तीन उससे छोटा, माइनस चार उससे छोटा। उल्टी डायरेक्शन में तो उल्टा होगा, सीधे डायरेक्शन में तो सीधा होगा। यस हाँ ठीक है। हाँ ऑपोजिट से याद रखना आप लोग कैसे बनता है हमारा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है पोल सेक्शन में, पोल नंबर के ऊपर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा भी था कि शुरुआत की पहली पांच समपूर्ण संख्याएं लिखिए, पहचान करिए। फर्स्ट फाइव इवन होल नंबर्स कौन से होंगे, फर्स्ट फाइव इवन होल नंबर्स, फर्स्ट फाइव इवन होल नंबर। गलत मत करना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, थोड़ी देर पहले बिल्कुल। ठीक है, वैसे अभी काफी बच्चों ने सही किया है, 16 में से 11 बच्चों ने एकदम सही किया है। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, ऑन डाउन कर दो मैं। 19 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकंड तो और है। यस बोलो। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो मैं। हाँ जी ठीक है, जल्दी से करो बाकी बच्चों ने अगर नहीं किया है तो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए, तभी तभी ये चीज जब आपके अटेंडेंस मैं भी नहीं समझ आते में आ रहा, क्या नहीं आ रहा बेटा, पोल सेक्शन नहीं आ रहा। नवीन निम्न में से पहली पांच संपूर्ण संख्या बेटा एक बच्चा एक बारी में बोलो, आवाज नहीं आ रही, क्या बोला आपने? किशन ये बोला निम्न में से सम पांच पूर्ण संख्या, हाँ मतलब हम हाँ पोल सेक्शन में करना है इसका आंसर। पोल का ऑप्शन आता है आपके फोन में? यस मैम। मैम इसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ओके ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक yes, है ma'am. ठीक है ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। लास्ट के 5 सेकंड्स और, 5 4 3 2 1। चलो जिसको आ गया समझ वो चैट सेक्शन में आंसर कर दो, बाकी जिसको नहीं आया वो यहाँ ध्यान से देखो। आपसे बोला है कि पहली पांच समपूर्ण संख्याओं की पहचान करो, स्टार्टिंग के पांच इवन होल नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर आपको पता है जो शून्य से शुरू होते हैं, शून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ऐसे करके चलते रहते हैं। तो आपको पता है सम संख्याएं कौन सी होती है जो शून्य से विभाजित हो जाए, उन्हीं को तो सम संख्या कहते हैं। तो शून्य सबसे पहले होगी, फिर दो, फिर चार, फिर छह, फिर आठ। दो का पहाड़ा पड़ना है, सिंपल सा, दो का पहाड़ा पड़ना है, दो का पहाड़ा आता है तो शून्य भी हमारा दो से विभाजित होता है। क्योंकि अगर देखो शून्य को ना हम क्यों इसमें इवन नंबर्स में ले रहे हैं, क्या किसी को रीजन पता है हम जीरो को क्यों इवन नंबर में ले रहे हैं? मैम बिकॉज पूर्ण संख्या पूछा है ना मैम। हाँ क्यों है, पर जीरो तो टू के टेबल में आता ही नहीं है ना, हमने तो डेफिनेशन ये पढ़ी कि जो टू के पहाड़े में आता हो। क्या आ रहा है टू के पहाड़े में जीरो? क्योंकि मैम वो शुरुआत उसकी होल नंबर में ना जीरो से ही होती है। ठीक है ये भी एक रीजन बोल सकते हैं, बट इसका अगर मैं प्रॉपर रीजन बोलूं तो जो दो के पहाड़े में संख्याएं आएंगी, जैसे चार दो के पहाड़े में आ रहा है तो उसे विभाजित करो दो से तो शेषफल शून्य आता है। मतलब यदि शेषफल अगर शून्य आ गया तो वो संख्या मेरी सम संख्या हो जाएगी, होगी या नहीं, ऐसा बोल सकती हो ना? रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो संख्या हमारी सम संख्या है, तो उसे विभाजित करने में। तो अब देखो जब भी हम
किसी भी संख्या को शून्य से सॉरी जब भी हम जीरो को किसी भी संख्या से विभाजित करें ना, जीरो के नीचे कोई भी संख्या हो, हाँ कोई भी संख्या हमेशा आंसर जीरो ही आता है। कि जीरो को किसी भी संख्या से विभाजित कर लो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई करने में तो जीरो आता ही है, डिवाइड करोगे तब भी जीरो ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम जीरो को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो शून्य दो चार छह आठ, दो का पहाड़ा पढ़ना है तो आप पढ़ लोगे, और साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर देना क्योंकि वो सम संख्याओं में आता है। क्लियर हो गया सभी, कोई प्रश्न? किशन कुमार के नाम से जो बच्चा था बेटा, क्लियर हो गया? हो गया क्लियर। शिवम शर्मा, शिवम क्वेश्चन समझ में आया? बेटा समझने की कोशिश करोगे तो आएगा। शिवम शर्मा क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। तो थोड़ा सा ट्राई करो, आ जाएगा। चल तो ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो पूर्णांकों पे, पूर्णांक हमने समझ लिए क्या होते हैं, अब हम पूर्णांकों पे ना कुछ प्रश्न कर लेते हैं, पूर्णांकों पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख गया है, ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, इंटीजर फाइंड आउट करना है। अभी हमने समझ लिया कि पूर्णांक क्या होते हैं, कौन सी संख्याएं हमारी पूर्णांकों के अंदर आती है, कौन सी नहीं आती। तो बताओ ए बी सी डी में से कौन सी संख्या आपको पूर्णांक नजर आ रही है। डेफिनेशन याद रखना, क्या मैंने पूर्णांकों की डेफिनेशन में ऐसे नंबर्स बताए थे, तो आप एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे इसका। मैम मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा? नो मैम। बेटा हो सकता है नेटवर्क इशू हो, आपको वैसे भी नेटवर्क इशू आ रहा है ना? मैम मेरा तो नेटवर्क सही है। सही है तो एक बार मींस शायद रिफ्रेश करके आ जाएगा, नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आज पोल में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो ये क्वेश्चन तो काफी बच्चों ने सही करा है, 16 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है, वेरी गुड। मैम मेरा भी चैट सेक्शन नहीं आ रहा। हाँ चैट सेक्शन तो भी बंद होता है ना, जब भी मैं पोल में क्वेश्चन देखती हूँ चैट सेक्शन बंद होता है। बेटा पहली क्लास है क्या आपकी आज? नो मैम जी, मतलब मैम जो आंसर देते हैं वो वाला नहीं आ रहा मैम। हाँ मैं अभी ऑन कर रही हूँ वाला चैट सेक्शन, पोल वाला, पोल आता है आपको समझ में? पोल कैसे आता है, पोल का ऑप्शन क्या मैम? पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं आपको पता है? बस मैम ये तो पता है। नहीं पता? यस मैम पता है मुझे ये तो। तो पोल का ऑप्शन आता नहीं आपके पास मैम? ये वाला, हाँ पोल वाला आता है या नहीं मैम? ये तो रेज हैंड कर रहा है। एक मिनट बेटा, लास्ट के मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं बात करती हूँ आपसे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। लास्ट के 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब चैट सेक्शन में आंसर कर दो बाकी बच्चे, चैट सेक्शन ऑन हो गया, चैट में कर दीजिए। यस वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर सभी का। भाई माइनस का एक, एक ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है, यही हमारे पूर्णांक है। हमने तो कहीं बात नहीं करी ना, 1/2, 3/4 इस तरह की संख्या पूर्णांक होती है? कभी नहीं होती। दशमलव वाली संख्याएं भी कभी पूर्णांक नहीं होती, वर्गमूल वाली संख्याएं भी इस तरह की पूर्णांक के अंदर नहीं आएंगी, इसलिए माइनस वन इसका सही उत्तर है। तो मैक्सिमम सही किया था। यस क्लियर हो गया सभी को, अगला क्वेश्चन करें आप। बेटा 1/2 ना 1/2 आपको पता है नहीं, अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, इस तरह की संख्याएं तो पढ़ी होंगी पहली क्लासेस में, फ्रैक्शंस कहते हैं इन्हें, ठीक है। ये भी टॉपिक आएगा आपको आगे, सब समझना, ठीक है, अभी नहीं है, आगे आएगा ये वाला टॉपिक। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा,
इस क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है, अभी कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, मैं अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, पहले प्रश्न को समझो उसमें पूछा क्या है, सभी बच्चे समझो। इसने बोला है कि आपको ना चार संख्याएं दी गई हैं, सॉरी हाँ ये चार संख्याएं दी गई हैं, आपको इन चारों में से एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो पूर्ण संख्या हो, ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो, पर प्राकृत संख्या ना हो। ठीक है, पूर्ण के अंदर भी आती हो संख्या, पूर्णांक के अंदर भी आती हो, बट प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आती। तो अब क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप करिए आंसर। ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो होल नंबर में भी आता हो, इंटीजर में भी आता हो, बट वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता हो। एक ऐसी संख्या, एक ही संख्या है वो, आपने ढूंढनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर सभी को, आंसर करिए इसका। मैम पोल का ऑप्शन भेजना बेटा, पोल का ऑप्शन तो मैंने कर दिया है, मेरे को लग रहा है आज आपके फोन में आ नहीं रहा है, क्योंकि शायद मे बी नेटवर्क इश्यू होगा। तो आज आप मैम आवाज की आवाज भी नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। अजीत सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप भी क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, फिर देखना जरा पोल का आ रहा है आंसर या नहीं ऑप्शन। मैम आप चैट्स को वाला ऑन कर दो। हाँ चैट वाला मैं थोड़ी देर में करती हूँ, जब पूरे बच्चे पोल में आंसर कर देंगे। एक बार आप भी क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, देखो जरा आता है कि या नहीं पोल वाला ऑप्शन, रीज्वाइन कर लो। रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो आंसर देते हैं मैम वो कैसे आएगा मैम, मेरे में भी नहीं आ रहा। मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट चलो, अभी मैं ना, चलो मैंने चैट सेक्शन अभी ऑन नहीं कर रही, एक बार मैं पोल का बता देती हूँ, एक बार प्लीज पोल का समझ लो। तीन डॉट होंगे बेटा आपकी स्क्रीन पे, किशन कुमार के नाम से बच्चे, तीन डॉट दिख रहे हैं? यस मैम दिख रहे हैं। उस पे क्लिक करो, एक्टिविटीज लिखा हुआ आया, एक्टिविटीज यस मैम आया, उसमें आ रहा होगा वन एक्टिव पोल लिखा आया मैम, वन एक्टिव पोल, हाँ मैम आया। उस पे क्लिक करो, ऐसे चार ऑप्शन दिख रहे होंगे एबीसीडी, जो आंसर सही लग रहा है उस पे क्लिक करो और yes, नीचे बोर्ड नीचे क्लिक कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ठीक। चलिए लास्ट के 5 सेकंड, सॉरी पोल का ऑप्शन मैं बंद कर दूंगी, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो बात, ठीक है। चैट सेक्शन में सभी का सही आता है, और वैसे सभी का मतलब मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है पोल में। चलो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा, ये इस तरफ लिखा है ये, ठीक है, ऐसी कौन सी इकलौती संख्या है, देखो ये वाला जो पार्ट हो गया ये तो हमारा पूर्ण संख्याओं का हो गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा पूर्णांक का हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा वन से लेके यहाँ तक ये प्राकृत संख्याओं का हो गया। अब मुझे बताओ क्या जीरो हमारी इकलौती ऐसी संख्या नहीं है, क्या जीरो हमारी इकलौती ऐसी संख्या नहीं है जो सिर्फ जो प्राकृत जो पूर्णांक के अंदर भी आती है, पूर्ण के अंदर भी आती है, बट प्राकृत के अंदर नहीं आती। याद करो जीरो इकलौती ऐसी संख्या है ना, जीरो जो नंबर है वो होल नंबर के अंदर भी आता है, जीरो जो है वो इंटीजर के अंदर भी आता है, बट जीरो तो नेचुरल नंबर में नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर तो वन से शुरू होते हैं ना, जीरो कैसे आ जाएगा। तो इसलिए जीरो इकलौती ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या में नहीं आती, ठीक है, लेकिन पूर्ण और पूर्णांक में दोनों में आती है। क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी को?
वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को भी ना मैं अभी पोल में आंसर नहीं, मतलब पोल सेक्शन में मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में ना जैसे पहले क्लास के बच्चों ने सबने गलत किया था, तो पहले समझ लो इसे। प्रश्न आपसे बोल रहा है, ये थैला एक बैग है, इस बैग में आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब नंबर्स क्या क्या है, 2, 0, -20, 9, -1, 6। आपको बताना है कि सारे के सारे नंबर्स किसके अंदर आते हैं, क्या ये सारे नंबर प्राकृतिक संख्या के अंदर आते हैं, या पूर्णांकों के अंदर आते हैं, या पूर्ण संख्या में आते हैं, या सभी में आते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? यस मैम। आ गया मैम, ठीक है, चलो आप करो इसका आंसर। किसके अंदर आते हैं दिए गए सारी संख्याएं, किस तरह की एक गिवन ग्रुप के अंदर आता है? वही रिस्पॉन्स, 15 में से 9 का सही, 6 का गलत। इसमें भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। बेटा चैट अभी ऑन कर रही हूँ, रुक जाओ थोड़ा देर वेट कर। ठीक है, लास्ट के 5 सेकंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चैट सेक्शन ऑन हो गया, करिए चैट मैन। Yes. आपने क्वेश्चन ना जो ऑप्शन डी बोल रहे हैं ना, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ध्यान से। यस मैम, वो सब में नहीं होता, वो नेचुरल नंबर में नहीं होता। यस, अगर आप यहाँ पे जीरो को देखो मैम, इसमें जीरो है। यस, जैसा पहला क्वेश्चन था ना सेम वही है। आपको यहाँ पे शून्य दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, जीरो नेचुरल नंबर आता है, जीरो प्राकृत संख्या में आता है, नहीं आता तो ये हो ही नहीं सकता। जीरो पूर्णांक में आता है, पूर्ण संख्या में आता है, लेकिन प्राकृत में नहीं आ रहा, तो ऑल ऑफ द अबव सभी कब में तो आ ही नहीं सकता ना, तो डी तो इसका आंसर होगा ही नहीं। ऑल ऑफ द अबव का यही तो मतलब है कि वो तीनों संख्याओं में आ रहा है, पर प्राकृतिक में भी आ रहा है, पूर्णांक में भी आ रहा है, पूर्ण में भी आ रहा है। बट आपने यहाँ पे ध्यान से देखा कि जीरो है, जीरो तो प्राकृत में आ ही नहीं सकता, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, इसका ऑप्शन ए होगा ना डी होगा, बी और सी में से एक होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं भी, नेगेटिव नंबर्स हैं, -20, -1, और आपको ये पता है कि होल नंबर्स में कभी भी, पूर्ण संख्याओं में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, इसलिए बी ऑप्शन सही है। पूर्णांकों में तो आते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी सही है। यस, समझ में आया सभी को? आपको आपको बस एक नंबर पहचानना था, जीरो। जीरो को देखते ही आप क्वेश्चन क्रैक कर लेते कि भाई ये प्राकृतिक संख्या के अंदर तो आता ही नहीं है, तो डी ऑप्शन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। मैंने आपको एक ग्रुप दे दिया, 1, 2, 0, 4, ये वाली संख्याएं कौन से के अंदर आती है, वो आपने चैट में लिखना है। 1, 2, 0, 4 कौन सी कैटेगरी में आता होगा? ABCD चार ऑप्शन है, इसमें से ही बता दो। मैम होल नंबर में आता है। ठीक है, अब मैं आंसर देख रही हूँ, तो मुझे ना सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर ठीक लग रहा है इसमें, बाकियों का भी ठीक है, पर उसने बाकियों ने प्रॉपर आंसर नहीं किया इसका। एक ही बच्चे का आंसर ठीक है, जो कि है आरके राजपूत के नाम से। वेरी गुड बेटा, अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखो तो ये पूर्णांक में भी आते हैं और पूर्ण संख्या में भी आते हैं, मतलब बी और सी दोनों में आते हैं, सिर्फ सी सी में नहीं बोलोगे, बी में भी तो आ रहे हैं ये संख्याएं। समझ में आया? ये कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ बी बी में आ रहे हैं या सी सी में आ रहे हैं, तो दोनों में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं होल नंबर्स में भी, ये आ रहे हैं इंटीजर्स में भी।
क्लियर हो गया सभी को? मेरा नेट खराब हो गया, सुन लो कोई। मैम फिर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मतलब ये तो मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया था, मैंने सिर्फ आपसे पूछा था किस कैटेगरी में आते हैं, आप आंसर बोलेंगे बी और सी दोनों में आते हैं, ये पूर्ण संख्या के अंदर भी आते हैं यही नंबर, और यही अंदर नंबर हमारे पूर्णांक में भी आते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। जो आज का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन नेचुरल या होल नंबर्स, ठीक है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। तो चार तरह की हमारी संक्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और मुझे ऐसा लगता है कि प्लस माइनस करना गुणा। जी मैम आवाज ना आ रही। बेटा एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्लास लीव करो दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगी आवाज। तो मुझे ये लगता है कि प्लस माइनस करना, गुणा करना, भाग करना सभी को आता है, बट हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना आता हो, या फिर हम कभी कभार ना गलतियां भी कर देते हैं, तो वो चीज इसलिए यहाँ पे दी गई है। तो मैं समझाऊंगी कुछ नहीं, आपसे बस क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे पहले एडिशन है, आप लोग बस उसका आंसर करना, ये मैं सोचना कि बहुत ईजी टॉपिक है, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सभी को आता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये दिख रही है, दो बच्चे हैं, ये है आशिन और ये है शानू, दोनों दोस्त हैं, ठीक है। दोनों के पास, आशिन के पास 5 टॉफियां हैं, शानू के पास 4 टॉफियां हैं, तो टोटल दोनों के पास कितनी टॉफियां होंगी? आंसर कर दो चैट सेक्शन में, बस बहुत इजी टॉपिक है। जी मैम नो। बेटा माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में करना आंसर, ठीक है। माइक ऑन करके कभी मत करना आंसर, चैट सेक्शन का ऑप्शन आता है उसमें करो। गुड, वेरी गुड, सभी का ठीक है भाई, एक के पास 5 है, एक के पास 4 है, टोटल 9 होगी, तो इसमें कुछ भी टफ वाली चीज नहीं थी, ठीक है। 5 और 4 को आपने जोड़ दिया, ठीक है। इसका आंसर बताओ, हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने दूंगी, आप आंसर करना उसका, बस एडिशन करो, 52 और 17 को जोड़ो, मुझे बस देखना है कि एक्यूरेसी कितनी है, या कितने बच्चे इसको गलत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो सभी सही करते हैं। ठीक है, सभी का सही है, वेरी गुड। हाँ जोड़ तो बहुत ही इजी है, वेरी गुड। 7 और 2 को जोड़ा 9 आया, 5 और 1 को जोड़ा 6 आया, 69 सभी का, ठीक है गुड। अगला इस वाले को जोड़ो, यस 69 सही है। अगला वाला इस वाले को जोड़ो, 95 और 17 को जोड़ो, कितना आएगा? सिर्फ चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी का ठीक है, ये भी मिस एडिशन आप कर लेते हैं, वेरी गुड। हाँ हो सकता है कोई जल्दी करे, हो सकता है कोई देर में करे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 और 7 को जोड़ोगे तो 12 आएगा, यहाँ पे हासिल आ जाएगा 1, कैरी 1, 9 1 10, 10 और 1 11, 112 सभी का ठीक है, वेरी गुड। 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाले को जोड़ो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पोल में करेंगे क्वेश्चन, इसके बाद पोल में करेंगे। 156 और 178 ध्यान से करना, यहाँ गड़बड़ हो सकती है अगर जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो। ये भी सही आ रहा है आप लोगों का, 8 और 6 होते हैं 14, कैरी 1, 1 हासिल आ गया, 5 और 1 6, 6 और 7 13, कैरी 1, 1 2 3, 334, जो सभी का ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर ठीक है, 334।
वेरी गुड, तो मीन्स आप लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चंस करने के लिए रेडी है, पोल में क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पोल में क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी आप दो या दो से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको प्राकृत या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं, वाइट पेज ले लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि यदि आप दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को जोड़ो, मैं पूरा नहीं लिख रही, प्राकृत मतलब n, पूर्ण मतलब w, नेचुरल मतलब n, होल मतलब w, किसी भी दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को आप आपस में जोड़ेंगे तो उत्तर भी प्राकृत या पूर्ण संख्या ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। चाहे तो समझ लो, मैंने एक पूर्ण संख्या ले ली शून्य, उसमें एक प्राकृत संख्या जोड़ दी एक, तो एक ही आएगा। तो आपको पता है एक हमारा प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों होता है, ठीक है। तो दोनों अगर नंबर्स हमारे प्राकृत हो या दोनों पूर्ण हो, आंसर भी या तो प्राकृत आएगा या पूर्ण आएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये हम चारों चीजों में पढ़ेंगे, घटाव में ये चीज वैलिड नहीं होगी। जब हम घटाव पढ़ेंगे ना, सब्ट्रैक्शन, वहां ये अलग हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको यहाँ। तो ये चीज याद रखना, एडिशन में सेम ही आता है, ठीक। चलिए अब पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाइए। दसवां प्रश्न है, शिवम भाई कैमरा ऑफ कर दे। बेटा कैमरा ऑफ कर दो और माइक ऑन मत करो, आपको बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देनी चाहिए मुझे कि कैमरा आपका ऑन है या माइक आपका ऑन है। कैमरा ऑफ कर दो बेटा। दसवां क्वेश्चन करिए सभी बच्चे पोल सेक्शन, और देखते हैं कितने बच्चे इसका गलत करते हैं। अभी तो चैट में सभी के सही कर रहे हैं, ध्यान से करना, ये मत सोचना कि इजी है, जल्दीबाजी में गलत ना हो जाए। किशन कुमार के नाम से बच्चा, बेटा प्लीज वीडियो बंद करो अपना। आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि मेरे पास ऑप्शन आता है, मैं माइक एंड वीडियो दोनों बंद कर सकती हूँ आपका। अरे वीडियो तो बंद कर दे, ये कैमरा बंद कर दे भाई। कुणाल बंसल के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं बोलूंगी, आप मत बोलो, ठीक। चलिए वेरी गुड, 27 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। इससे पहले तो 27 बच्चों ने पोल में आंसर करा भी नहीं था, इजी क्वेश्चन में सब आंसर करते हैं। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, बाकी बच्चे अब चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। वेरी गुड, तो किसी का भी गलत नहीं था, मीन्स सभी का एकदम करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, 24 और 13 को जोड़ना, 4 और 3 7 2 3 2 3, ठीक है, ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, 3 डिजिट के नंबर्स, यस 3 डिजिट वाला पोल में करना है इसका आंसर फिर से। 765 और 38 को जोड़ना है, 765 और 38 को जोड़ना। देखो एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, यही मैं देखना चाहती थी, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। हाँ बोल बोल मैम, किसका गलत है बेटा? ये तो मुझे नहीं पता, बट अब 2 बच्चों का आंसर गलत है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो आंसर। मैम पोल का ऑप्शन नहीं आता बेटा, मुझे लग रहा है आज ना कुछ
प्रॉब्लम है कभी कभी ना, गूगल मीट में भी ना जिसमें क्लास चलती है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, उस वजह से नहीं आता ऑप्शन। अगर आपका हर बार ही आ रहा है आज नहीं आ रहा, मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लिच आ गया होगा, उसकी वजह से होता है। मे बी नेक्स्ट, कोई नहीं मैम। चलो लास्ट के 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। दो बच्चों ने गलत किया है पोल में, देखो 765। 38 बेटा यहाँ तो लिखोगे इकाई वाली जगह में इकाई वाली जगह, ढाई वाली में ढाई। आपने ऐसे तो नहीं कर दिया जिसने गलत करा हो, ऐसे कर दिया क्या? ऐसे तो नहीं लिखा किसी ने, ऐसे नहीं लिखते। हमेशा इकाई वाली जगह में इकाई और ढाई वाली जगह में ढाई, यूनिट के नीचे यूनिट नंबर और टेंथ के नीचे टेंथ। 8 और 5 कितने हो गए? 13, 1 हासिल, 6, 3, 9 और 1 10, 7 और 1 8, 803 उत्तर है इसका। ठीक है, तो जिसने पोल सेक्शन में गलत किया होगा उस बच्चे को पता ही होगा कि कौन है वो। ठीक है, वो समझ लेना इसको, आराम से करना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप का है, 3 डिजिट वाला ही है। 245 और 138 को जोड़ना है आपको, 245 और 138। गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत होगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ एडिशन में ही हो रही है, मींस क्योंकि दो बच्चों का गलत हो चुका है अभी। ठीक है, कैसे किस बच्चों का आंसर आ चुका है? वेरी गुड। लास्ट की 5 सेकंड्स और बेटा, 5 सेकंड्स और है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। ठीक है, 245 और 138। हाँ, अभी चैट सेक्शन में तो सभी का सही है, बट पोल में दो बच्चों का गलत है। तो अगर कोई बच्चा जानबूझ के गलत कर रहा है तो मैं उसे बता दूं कि वो रिकॉर्ड हम लोगों के पास रहता है, फिर हम देखते हैं कौन बच्चा है जो गलत कर रहा है। ठीक है, जानबूझ के गलत मत करना पोल में कभी। 8 और 5 फिर से 13 और 1 कैरी 1, 7 और 1 8, 2 और 1 3। ठीक है, 383। हो सकता है किस बच्चों ने 483 लिखा हो तो यहाँ कहीं गड़बड़ करी होगी, 3 को 4 समझ लिया होगा इसलिए सी ऑप्शन आया होगा, क्योंकि दो बच्चों ने सी पे टिक किया है। तो वही जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, इसका उत्तर ए है, सी नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा व्हाट प्रॉब्लम टाइप का प्रश्न है। आपको बताने पहले क्वेश्चन समझ लो, आपसे पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 ज्यादा हो। ठीक है, वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 464 आंसर कितना, यस पोल में करना है जो 642 से 531 ज्यादा हो। समझ गए प्रश्न? 642 से 531 ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए क्या करना है। मैम जी एक और बार समझा दो मैम। देखो आपसे बोला है आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 642 से ज्यादा हो, कितनी ज्यादा हो? 531 ज्यादा। 642 से 531 ज्यादा कौन सी संख्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, मैम जी पोल का ऑप्शन नहीं बेटा, मुझे नहीं लग रहा आज आपका पोल का ऑप्शन आएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्लास में ना बताना मुझे अगर आ रहा है या नहीं आ रहा आपका पोल का। ओके मैम। ठीक है। चलो 20 में से 18 बच्चों का ठीक है ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ मैं चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ, पहले पोल में आ जाए बेटे सारे बच्चों के आंसर। चलिए लास्ट के 5 सेकंड्स और, सभी ने कर दिया क्या पोल में आंसर? कर दीजिए सभी बच्चे। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। 642 से 531 ज्यादा कौन सा नंबर होगा? ज्यादा मतलब जो, ज्यादा मतलब जोड़ी तो है, जोड़ना था आपको दोनों संख्याओं को। 2 और 1 3 4 और 3 7 6 5 11 20 का सही उत्तर है। यही तो प्रश्न में बोला था, सिंपल था। 442 से 531 ज्यादा। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन करें या कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं? क्लियर? ठीक है। तो कहाँ बात की तुम? शुभम कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑफ करिए। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज का टॉपिक ना यही फिनिश कर देते हैं, क्योंकि फिर सब्ट्रैक्शन शुरू होगा तो हमारा मिड में रह जाएगा। फिलहाल मैं आपको ना होमवर्क शेयर कर देती हूँ, होमवर्क देख लो सभी बच्चे, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सभी नोट डाउन कर लो। बैटरी खत्म होने वाली है एमजी। हाँ बस होमवर्क नोट डाउन कर लो, आपसे पहले भी बोला गया है कि नोट डाउन कैसे करते हैं। मैं दिखा रही हूँ होमवर्क आपको, होमवर्क देख लो सभी बच्चे। मैम उतारना इसको देख के? नहीं नहीं उतारना नहीं है, आपके पास बुक है ना नीव वाली? नहीं मैम, मैम हमारे पास नहीं है मैम। मैम मैंने कर रखी है ये। अगर कर रखी है तो बढ़िया है, नहीं कर रखा तो 3.1 आपने करनी है। ठीक है, 3.1 के बाद और भी है, 3.1 के बाद और भी है ये जोड़ वाली, 4.1 एंड 4.2 भी करनी है। ठीक है, क्योंकि जोड़ वाला टॉपिक मैं मैंने ये भी कर रखा है। ओके मैम, अगर जिसके पास मैं मैंने आज भी बुक कर रखी है, अच्छी बात है, जिसने करा है, जिसने नहीं करा वो कर लेना। और जिसके पास ये किताब नहीं है ना, मैं व्हाट्सएप में, या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो व्हाट्सएप में मैं आपको कल सुबह 11 बजे तक होमवर्क सेंड कर दूंगी यही। ठीक है, और आपके पास ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, आज ये पूरा चैप्टर जो है उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी।